रविवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राजधानी भोपाल में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में विश्व हिंदू महासंघ ने भी स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई। राजधानी सहारा स्टेट स्थित भारत माता के मंदिर पर महासंघ की ओर से स्वामी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान चुरहट से बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, बीजेपी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, विश्व हिंदू महासंघ भोपाल महानगर के अध्यक्ष मुकेश जोशी सहित कई पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जो देश के लिए दिया है वो अविस्मरणीय है। आज तक के इतिहास में आज जो देश आगे बढ़ रहा है उसमें हमारे वो प्रेरणा के और श्रद्धा के केंद्र है। वो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका विचार हमारे बीच में है और उस विचार को पूरा देश नहीं पूरा विश्व अपना रहा है और पूरे करोड़ों लाखों कार्यकर्ता हमारे जो इस विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उस जयंती के उपलक्ष में पूरे देश और प्रदेशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुकेश जी जोशी के नेतृत्व में इतना अच्छा आयोजन हुआ है इसके लिए मुकेश जी जोशी और उनकी पूरी टीम, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जो CAA के समर्थन में पूरे देश के अंदर जो हमारे समर्थन में अलग जगा रहे हैं। ऐसे हमारे मुकेश जी जोशी हिंदू वाहिनी के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश जी ने अपनी पूरी टीम के साथ भारत की जो संस्कृति है उसके जो हम लोग पूरे विश्व में जिन्होंने उसका नाम किया है स्वामी विवेकानंद की ऐसी जयंती का कार्यक्रम आयोजन किया है वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इस समय पूरा देश विवेकानंद के आदर्शों पर चलने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तैयार है। युवा आगे आ रहे हैं, ये युवा दिवस का कार्यक्रम है। अमेरिका में नया शब्द भाइयों और बहनों के माध्यम से संबोधित करके विश्व बंधुत्व का जो भाव उन्होंने पैदा किया है ये CAA के माध्यम से हम अपने पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं उनको लेकर अपनी उस भावना को बढ़ाने के लिए भावना को बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इतना ही है और आज इस कार्यक्रम के लिए मैं हम सब यहाँ हैं, खुशी की बात है, हर्ष की बात है। स्वामी विवेकानंद की जयंती में ये कार्यक्रम रखा गया है भारत माता मंदिर सहारा स्टेट में। क्या कार्यक्रम है ये स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है वो विवेकानंद जी को एक संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। जो संदेश जो स्वामी जी ने विदेशों में भी भारत के लिए संस्कृत हिंदी में जो कार्य किए उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया, उनको शिक्षा देने के लिए जो आज लोग CCA का विरोध कर रहे हैं और उसको लागू नहीं होने दे रहे। जैसे कि आज हम लोग हैं, आज इकट्ठे हुए हैं, हमारी जो भीड़ है वो शांतिप्रिय, हम किसी पे पत्थर फेंकना नहीं चाहते। जो भी बात है सरकार से उसको बात को देश हित में मनवाना चाहते हैं। अच्छा।